पूजा की जाती है, पर जब किसी घर में बेटी पैदा होती है तो जन्म लेते ही मार दिया जाता है। अरे दादी दादी क्या हुआ, इतनी परेशान क्यों हो? अरे क्या बेटियां होना इतना पाप है? अरे वाह मेरा खोता हुआ है, लड्डू बांटो इधर भी बांटो उधर भी बांटो, लड्डू बांटो इधर भी बांटो उधर भी बांटो, लड्डू बांटो पर बेटा नहीं बेटी की खुशी में लड्डू बांटो। क्या मेरे फिर से फंसी हुई है, मार दो इसे। मैं नहीं मारूंगा मां इसे। क्या तेरे बच्चे को आगे बढ़ा पाएगी है? क्या संसार में मेरा नाम ऊंचा कर पाएगी है? अरे मां इसकी आंखों की चमक तो देखो क्या कहना चाहती है। इसके मुंह में लड्डू मार दो। अरे अभी तक इसकी हाथों की लकीरें नहीं निकली और तुमने इसका भविष्य जान लिया। सुन तो लो ये गंदी सी बच्ची क्या कहना चाहती है। मत मारो मुझे, मुझे जीवन दो, जीवन जीने का अधिकार दो। अगर बेटियां नहीं हुई तो माँ अपनी दिल की बात किसे बताएगी? मतलब कि इस दुनिया में माँ घुट घुट के रह जाएगी, अगर बेटियां ही नहीं होगी संसार में तो माँ किसे अपने दिल का हाल बताएगी? बेटी नहीं होगी तो बहू कहाँ से लाओगे, खर्च कहाँ से बढ़ाओगे? नन्ही बेटी को जीवन का वर दो, बेटी को जीवन का वर दो, शिक्षा का सम्मान उसे दो, शिक्षा का सम्मान उसे दो, बराबर के अधिकार उसे दो, बराबर के अधिकार उसे दो, जीवन में सम्मान उसे दो, जीवन में सम्मान उसे दो। बेटा हुआ तो ढोल बजाया, बेटी हुई तो मातम छाया, बदलो
भगवान और प्यारे बच्चों को मेरा हार्दिक नमस्कार। मैं आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई देती हूँ। आज हम यहाँ 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर को मनाने के लिए इकट्ठे हुए हैं। इस वर्ष हम गणतंत्र दिवस का 69वां वर्ष मना रहे हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि गणतंत्र दिवस हम सभी के लिए शुभ अवसर है। गणतंत्र दिवस इस दिन को बहुत उत्साह और खुशी के साथ मनाते हैं, क्योंकि 1950 में भारत का संविधान लागू हुआ था, जिसे हम हर साल गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। मैं इसी स्कूल की स्टूडेंट रही हूँ। प्लस टू मैंने यहीं से किया। नॉन मेडिकल की स्टूडेंट रही हूँ मैं, और ये मेरे लिए बहुत ऑनर की बात है। सबसे पहले तो थैंक यू टू प्रिंसिपल सर एंड ऑल द टीचर्स कि जिन्होंने ये मुझे मौका दिया यहाँ पे फ्लैग होस्टिंग का, इसके लिए बहुत बड़ा थैंक यू। और आज मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, ये काबिल जो बनाया है वो हमारे टीचर्स ने बनाया हमें, और ऑब्वियसली हमारे पेरेंट्स ने, कि वो इतनी मेहनत करके उन्होंने हमें पढ़ाया। और हम कई बच्चों को तो ये मौका भी नहीं मिलता पढ़ने का, कईयों के पास कोई अब कुछ फाइनेंशियल कंडीशन होती है, कईयों की कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं घर में, वो पढ़ नहीं पाते, लेकिन हमें तो ये मौका मिल रहा है पढ़ने का और हमें इसको अच्छे से यूटिलाइज करना है। सो थैंक यू, इट्स अ ग्रेट ऑनर।